नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं उषा की S2 को अनबॉक्सिंग, फिटिंग और उसकी पैनल फंक्शन का जो भी वो है, हम 3 स्टेप में वीडियो बना के आपको बताने वाले हैं। तो हमारा वीडियो आप देखते रहिएगा। अभी हम इसको ओपनिंग करके बताते हैं कि ये उषा की मशीन में एसेसरी क्या क्या आती है और मशीन की क्वालिटी कैसी है वो सब बताएंगे। ये जो मशीन है ये उषा की S2 मॉडल है। ये जो आपको उसका पूरा हम यहाँ पे डायग्राम दिखा रहे हैं, इसके अंदर 550 वाट की मोटर है। इसका वेट 30 kg है। ये पूरा हम इंडस्ट्रियल सोइंग मशीन उषा इंटरनेशनल की ये आपकी मशीन है। अब ये हम आपको ये मशीन खोल के बता रहे हैं। ये एक एसेसरी बॉक्स है। एसेसरी बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है वो हम आपको बताते हैं। ये उषा का मैनुअल बुक्स है। ये बुक्स आपको बहुत ही संभाल के रखनी है। इसके अंदर इंग्लिश और चाइनीज में आपका एरर कोड लिखे हुए है। ये चीज को आप कागज समझ के फेंक मत दीजिएगा। इसमें पूरी डिटेल दी हुई है वो आपको कौन सी एरर आती है और आपका इसका सॉल्यूशन क्या करना है वो पूरा इसमें दिखाया गया है। बाद में इसके अंदर एक ऑयल टांकी आती है जिसके अंदर आपको मशीन फिट करने के टाइम पे ऑयल भरना है। फिर एक कंट्रोलर आता है जो आपको टेबल के नीचे लगाना है, उससे आपकी मोटर चालू बंद होती है। ये धागा, ये आपको टेबल का रबर इंजिस और नी लिफ्टर का रबर है। ऑयल टांकी की कैप है वो सब है। ये धागा स्टैंड की पूरी किट दी गई है। ये 3 पेचियां इसके साथ में आता है। फिर ये ऑयल का डब्बा है। ये मैनुअल आप खास संभाल के रखिएगा, नहीं तो आपको इन फ्यूचर आगे परेशानी हो सकती है। अब हम आपको ये मशीन खोल के बता रहे हैं। प्राइस का जो भी है आप हमें वीडियो में दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं। अभी इसके साथ में एक मशीन का ये नायलॉन का कवर आता है जो मशीन ढकने के लिए काम लगता है। ये उसकी पूरी दूसरी एक पार्ट्स बुक दी गई है कि मशीन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और कैसे आपको असेंबल करना है, कैसे टाइमिंग मिलाना है, वो सब पूरा सेटिंग दिया गया हुआ है। ये पूरा इसके अंदर दिया गया है जो आप देख सकते हो। अभी हम मशीन आपको बाहर निकाल के बताएंगे। ये उषा S2 जो मशीन है वो डायरेक्ट ड्राइव मशीन कहलाती है। इसकी जो मोटर आती है वो मशीन में ही अटैच रहती है, इसलिए इसको डायरेक्ट ड्राइव कहा जाता है। दूसरा एक मॉडल आता है जिसके अंदर सर्वो मोटर मशीन के टेबल के नीचे फिट होती है और ये जो मशीन ये जो है वो अपने इसके अंदर ही फिट होती है। देखिए आप ये देख रहे हैं, उषा का ब्रांडिंग किया गया है। ये उसकी पैनल है। ये पूरा मशीन आपको हमने दिखाया है। ये मशीन की आपकी कोई भी इंक्वायरी हो, अगर सूरत में है, गुजरात में है, तो आप हमें ये नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। हम आपको उसका प्राइस दिखाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका पूरा पैनल फंक्शंस और ये मशीन पूरी कैसे अपने आप खुद फिट कर सकते हो वो बताने वाले हैं। ये जो है ये बॉबिन भरने का फंक्शन है, वो सब हम आगे आपके आपको आगे के वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले हमने आपको ये उषा अनबॉक्सिंग करके दिखाया है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिससे आपको रोज नए नए लेटेस्ट मशीन की जानकारी मिल पाए। इसका स्टैंड टेबल खोल के भी बताते हैं कि स्टैंड टेबल में क्या क्या चीज़ आती है और कैसा उसका लुक है वो हम आपको आगे बताएंगे। उषा के
जो स्टैंड टेबल जो आते हैं वो 48 इंच का टेबल आता है और आपका पाइप का उसका स्टैंड आता है, वो अब हम आपको उसमें क्या क्या चीज़ है वो बताने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, इसके स्टैंड के ऊपर उषा का ब्रांडिंग किया गया है। ये पूरा स्टैंड जो है ये हम आपको फिट करने का भी आगे के वीडियो में बताने वाले हैं। ये उसकी पावड़ी है, ये उसका ड्रॉवर दिया गया है, ये पूरा सेट आप देख रहे हो। टेबल कैसा आता है वो हम आपको बता रहे हैं। ये पैकिंग अच्छी तरीके से किया है कि ये चीज़ डैमेज ना हो जाए, परंतु कभी कभार ट्रांसपोर्ट में डैमेज का इश्यू रहता है। ये जो चीज़ें ये कंपनी ने प्लेन पार्टियाँ दिया हुआ है, अगर इसके ऊपर थोड़ा वो उषा का ब्रांडिंग करते तो बढ़िया दिखता, परंतु उन्होंने ब्रांडिंग किया नहीं है। ये अभी हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको फिट कैसे होता है वो बताने वाले हैं। तो हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।